जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम यू ऑल एट संदीप सर डून डिफेंस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो दैट यूपीएससी हैज़ पब्लिश्ड द एनडीए 2 नोटिफिकेशंस फॉर सितंबर एग्जाम। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2023 और 24 का जो सेशंस है डून डिफेंस अकेडमी में, एनडीए में काफ़ी गर्ल्स और बॉयज़ ने एडमिशन लिया है। यहाँ पर 3 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हुए थे। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको सारी ट्रेनिंग प्रिपरेशन दी जा रही है 3 सितंबर एग्ज़ाम की, और कल ही इसका जो है नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी से एनडीए 2 एग्ज़ाम का। इस वीडियो में मैं आपको आज पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट द एनडीए 2 एग्जामिनेशन, हाउ टू फिल अप द फॉर्म, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर जो डून डिफेंस अकेडमी में जो बच्चे एनडीए फाउंडेशन प्रथम पक्ष में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट भी इस वक्त एलिजिबल हैं जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है एनडीए 2। तो वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर डून डिफेंस अकेडमी आपको अपने कंप्यूटर रूम में, कंप्यूटर लैब डून डिफेंस अकेडमी के पास हैं, वहाँ पर आपको असिस्ट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा टू फिलिंग अप द फॉर्म करेक्टली। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं टाइमली, और आपके 17 ऑफ दिस मंथ तक ये फॉर्म कंटिन्यू भरने स्टार्ट हो गए हैं, और अभी नेक्स्ट जो डेट है 6 जून इज़ द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरें तो डून डिफेंस अकेडमी की वेबसाइट जो कि आपके सामने खुली हुई है www.doondefenseacademy.com के थ्रू ऑफ यूपीएससी के जितने जो नोटिफिकेशन आया है उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी गाइडलाइन हैं, फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, वो आपको डून डिफेंस अकेडमी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप डून डिफेंस अकेडमी की वेबसाइट को लॉगिन करें, वहाँ से उस पेज में जाएंगे और वहाँ आप फॉर्म भरेंगे। उससे पहले मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग जो गाइडेंस हैं पूरी बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म उसको पढ़ लें, और आज की वीडियो में मैं कुछ पोर्शन कुछ कवर करूंगा उसमें विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपके सामने जैसे मैंने बताया कि ये साइट खुली हुई है, और यहाँ आप नीचे जाएंगे, देन ये जो है आपका स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ देखिए स्क्रॉलिंग कि जो कि कौन सा जो है कंटिन्यू ऑल द कोर्सेज जो डून डिफेंस अकेडमी में चल रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस हैं। यू विल फाइंड अप्लाई फॉर एनडीए 2 एग्जाम 2023, यू हैव टू क्लिक इट। आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी जो ये सामने जो पिक्चर आ रही है, यू विल फाइंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनडीए 2 2023 एग्जाम। हियर यू कैन सी हियर अप्लाई ऑनलाइन टू 2023 एग्जाम, कंप्लीट नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन रिटन हियर, जो कि 3 सितंबर के एग्जाम के लिए है, एंड 17 मई इज द डेट जहां से आपका फिलिंग ऑफ द फॉर्म स्टार्ट हुआ है। दिस इज फॉर एनडीए 2 एग्जाम, एनडीए नेबल अकेडमी के लिए एग्जाम होगा। यू कैन सी हियर द कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल्स। दिस विल बी फॉर एनडीए 152 कोर्स एंड 114th इंडियन नेबल अकेडमी कोर्स। यू कैन सी हियर द वैकेंसीज आर गिवन इन थ्रो एनडीए एंड थ्रो नेबल अकेडमी। आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, ये जो पर्टिकुलर कोर्स 152 होगा एनडीए के लिए और 114 नेबल अकेडमी के लिए होगा, उसके सारे जो जो वैकेंसीज डिटेल्स हैं वो लिखी गई हैं। फर्दर यू कैन सी हियर एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी हाउ मेनी पोस्ट फॉर द आर्मी नेवी एयर फोर्स। आप इसको अच्छे से देख लें, टोटल 395 वैकेंसीज आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी 208 इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यहाँ पर गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, 10 फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस। नेवी 42 वैकेंसीज इंक्लूडिंग 12 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए एयरफोर्स में 92 इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट्स। यू कैन सी ग्राउंड ड्यूटीज के लिए 18 इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट्स। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल इंक्लूडिंग 02 फीमेल कैंडिडेट्स, दिस विल बी 10 इंक्लूडिंग 02 फीमेल कैंडिडेट्स। नाउ यू कैन सी हियर फॉर द नेबल अकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के थ्रू जो है 25
will be there, including 7 for female candidates. Here you can say age limit. This is a very important part. आपकी जो eligibility है आप उसको देख लें यहाँ पर. यहाँ पर January 2nd 2005 से पहले बॉन्ड नहीं होना चाहिए. मीन्स कैंडिडेट January 2, 2nd January 2005 to 1st January 2008 के बीच में कैंडिडेट बॉर्न होना चाहिए. ओनली दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस NDA 2 एग्जाम. एज यू नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस NDA टेस्ट इज ट्वाइस इन ईयर. दिस एग्जाम विल बी टोटली इन ऑफलाइन मोड. ध्यान रहे सारा एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा. एग्जाम ड्यूरेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या उसके एग्जाम ड्यूरेशंस होंगे. इसके लिए जो आपके पास यू विल हैव अ 5 आवर्स मैथमेटिक्स 2.5 आवर्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट GAT 2.5 आवर्स. ओके एंड एग्जाम पैटर्न मैथमेटिक्स 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर देयर इन मैथमेटिक्स. GAT 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर. तो टोटल जो मार्क्स होता है 900 मार्क्स होगा मैथमेटिक्स एंड GAT. मीडियम ऑफ द एग्जाम विल बी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो वो हिंदी उसको हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं. तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों में एग्जाम होगा. नाउ फर्दर यू कैन सी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर NDA 2 2023 एग्जाम. ओके यू कैन सी हियर. यहाँ आप ध्यान से देखेंगे आप जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त प्लान कर रहे हैं तो मैं समरी को पढ़ रहा हूँ आपके सामने. इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को उसकी जानकारी हो जाए और आप भी दून डिफेंस अकेडमी की वेबसाइट से सारी जानकारी ले लें. जो भी DD डायमंड्स यहाँ पर अभी 2023-24 के सेशंस के लिए हमारे पढ़ रहे हैं और प्रथम पक के स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्सेज के स्टूडेंट जो यहाँ पर अभी अकेडमी क्लासेस ले रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को पूरी पढ़ लें. यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट इज द क्वालिफिकेशंस टू अपियर दिस एग्जाम फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी. आर्मी विंग के लिए यू शुड बी 12th क्लास पास of the 10+2 pattern of school education or equivalent examinations for Air Force and Naval Wing of National Defence Academy and for the 10+2 cadet entry scheme for the Indian Naval Academy. What will be the qualification? You can see here. You should be 12 pass with physics, chemistry and mathematics. Next, candidate who are appearing the 12th class under 10+2 pattern school equivalent examination, they can also apply. जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे इस वक्त यहाँ पर दून डिफेंस अकेडमी में NDA फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं अभी 12th क्लास में दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई दिस एग्जाम. तो यहाँ पर वो अप्लाई किया जा सकता है. नेशनलिटी बेसिकली कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल एंड फीमेल यानी कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड. ओके ए सिटीजन ऑफ इंडिया बेसिकली अदर थिंग्स आर रिटन हियर यू कैन गो थ्रो. कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट बिकॉज यू नो दैट After NDA examination, when you clear the written examinations, you will call for the SSB and then after on complete selection of the SSB, you have to proceed for the medical. So medical aapka fit hona chahiye. To yahan par likha hua hai. Candidate must be physically fit according to physical standard admission of National Defence Academy and Naval Academy. This is the application fees which will be paying during when you filling up the online form. Fees ka jo hai that is 100 rupees fees will be paid by the internet banking through card aap pay kar sakte hain. Yahan aap dekhiye it can be paid by mastercard or banking facility jo bhi hai wahan se aap pay kar sakte hain. Candidate belonging to SC ST, candidate son of JCOs, NCOs ORs exempted from payment of the fees. तो उनके लिए फीस नहीं है. निल फीस विल बी देयर. ओके जस्ट रिमेंबर पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग डेट टिल 6 PM ऑफ 6 June 2023. इसका ध्यान रहे. एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फिल NDA 2 एग्जामिनेशन 2023 फॉर्म. यहां आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड इमेज ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर. आपके पास एक स्टैंडर्ड फोटोग्राफ्स होना चाहिए एंड यू शुड हैव योर सिग्नेचर्स इमेज यू शुड हैव एंड यू शुड हैव फोटो आईडी कार्ड का PDF जैसे बेसिकली आधार कार्ड है
वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी जो है आपके पास फोटो आईडी अवेलेबल होना चाहिए एंड बेसिकली बैंक डिटेल्स टू मेक एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. अगर आप ऑनलाइन बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपके पास बैंक की डिटेल होनी चाहिए. मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th एंड 12th, ये आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए. अब ऐसी स्टेप टू द फिल एनडीए एग्जाम 2023 फॉर एनडीए 2 एग्जाम. दिस फॉर्म इज कंप्लीटली अवेलेबल ऑन दून डिफेंस अकेडमी वेबसाइट. उसके अलावा आपका जो फॉर्म मिलेगा www.upsc.gov.in पे भी ये फॉर्म अवेलेबल है. यहां उसका दो पार्ट्स में फॉर्म आपका होगा. द कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म इन टू पार्ट. द पार्ट वन रजिस्ट्रेशन टू फिल एनडीए 2 फॉर्म 2023 इज क्लासिफाइड इंटर फोर स्टेप हियर. ये फोर स्टेप में है. द कैंडिडेट मस्ट बिगिन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड सबमिट ऑल द डिटेल्स करेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर्म. जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको करेक्ट ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर्स, ऑल योर नेम, एवरीथिंग यू हैव टू फिल अप करेक्टली. फर्स्ट यू कैन सी हियर. सेकंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द प्रिफर्ड ब्रांच यू वांट टू ज्वाइन इन द डिफेंस आर्मी. ओके. सेकंड, थर्ड, इंटर योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर एंड वेरीफाई द डिटेल्स. दैट शुड बी करेक्ट. जिन बच्चों ने अभी भी ईमेल आईडी प्रॉपर नहीं बनाई है, सही ईमेल आईडी नहीं बनाई है, उसको बना लें. एंड यू शुड हैव द करेक्ट फोन नंबर जो आप यूज करते हैं, बिकॉज यू विल गेट द टेक्स्ट मैसेज फॉर फर्दर बेसिकली इंफॉर्मेशन विल बी गिवन बाय द यूपीएससी. आपकी मेल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, तो वो सारा मेल आपका करेक्ट होना चाहिए. ओके. फोर्थ स्टेप, द लास्ट स्टेप टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज द जनरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन आईडी. देखिए, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको पार्ट वन में रजिस्ट्रेशन आईडी लेनी है. तो यू गेट द रजिस्ट्रेशन आईडी इन द पार्ट वन. यू कैन सी हियर द पार्ट टू, सेकेंड स्टेप. यू कैन सी सिलेक्ट द प्रेफर्ड सिटी वेयर यू वांट योर एग्जाम सेंटर टू बी अलॉटेड. तो आपको सेकेंड स्टेप में यू हैव टू गिव द चॉइस फॉर द एग्जाम सेंटर. एंड थर्ड, अपलोड योर फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर द फाइल शुड नॉट बी एक्सीड 300 KB एंड मस्ट बी लेस देन 20 KB. मैंने आपको बताया था कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटो आईडी है, आपके सिग्नेचर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, दैट हैज़ टू बी रेडी इन ऑल रिस्पेक्ट. तो उसका जो जो ये है, दैट इज़ टू बी 300 KB एंड नॉट लेस देन 20 KB. तो उसको आपको ध्यान रखना है. तो उसको स्टेप थ्री में, पार्ट टू में आपको इसको भरना है फॉर्म में. ओके. हियर इज इन स्टेप फोर, एग्री टू द डिक्लेरेशन एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UPSC NDE 2 एग्जाम एंड डाउनलोड ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर योर फ्यूचर फ्रेंड्स. यहाँ आप UPSC का फॉर्म सबमिट करेंगे और उसको अपने रेफरेंस के लिए एक कॉपी, इसको आप अपनी कॉपी के लिए इसको डाउनलोड करके आप एक कॉपी अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकते हैं. एंड डे रिटर्न एग्जाम पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं NDE 2 का, तो आपको पता होना चाहिए वॉट विल द एग्जाम पैटर्न, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. तो आप यहाँ उसको देख सकते हैं. हेयर यू कैन सी द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ओके. द क्वेश्चन विल बी इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे. ओके. द क्वेश्चन विल बी आस्क इन बायलिंगुअल लैंग्वेज एज आई टोल्ड यू. दिस पेपर विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस. ओके. नाउ फर्स्ट पेपर इज अ मैथमेटिक्स. यू कैन सी हियर देर आर 120 क्वेश्चन इन द रिटन एग्जाम इन मैथ्स पेपर. फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स यू विल गेट 2.5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड हियर एंड द टोटल स्कोर फॉर दिस सेक्शन इज 300. यानी कि आपको मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा. ओके. एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर. तो नेगेटिव मार्किंग अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको यहां देख लीजिए, आपका 2.5 दैट इज 0.83 मार्क्स आपका कम हो जाएगा. यानी जो आपको 2.5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते थे करेक्ट आंसर में, तो उसमें जो आप अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको सीधा 0.83 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा. तो इसका ध्यान रहे. एंड फर्दर, जनरल एबिलिटी टेस्ट. The JET paper will be consist of 150 questions.
Each of these questions carries 4 marks, and thus total marks for this section is 600. यानी 600 marks का जो है आपका GAT होगा. Okay? And basically here also, you will basically minus marking will be there. Then you'll see here minus 1.33. यानी कि आपको जो 4 marks दिए जाते थे करेक्ट आंसर में, अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपको माइनस मार्किंग विल बी देयर 1.33. तो आप इसका ध्यान रखें. हियर यू कैन सी द समरी हियर. हैव अ लुक फॉर द डिटेल्स एग्जाम पैटर्न फॉर द एनडीए एग्जामिनेशंस हियर. मैथमेटिक्स मैक्सिमम मार्क्स 300. टाइम ड्यूरेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू द 2.5 आवर्स. जनरल एबिलिटी टेस्ट टोटल मार्क्स 600 एंड 2.5 आवर्स. ओके एंड टोटल मार्क्स विल बी 900 एंड time will taken for both the subject will be the 5 hours. Now you will find the complete syllabus for the general ability test and mathematics. To aap isko acche se padh le, you will find a complete syllabus given here. Those are planning to fill up the form now, that they can use the Dun Defense Academy computer room. This is open in entire the day. Pure din mein khula hua hai. Jo bhi DD diamond sabhi yahan par padh rahe hain, to apne wahan par naam likh karke apne form ko bhana start kare. जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, और वहाँ भी जो भी गाइडेंस हैं आपको वहाँ दी जाएंगी, वहाँ पर आपको एसेस किया जाएगा हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा. सो दैट यू विल फाइंड इजी टू फिल अप द फॉर्म्स. और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. यू डू हार्ड वर्क. दून डिफेंस अकेडमी आपको पूरी ट्रेनिंग दे रही है. इसके अलावा आपको पता है कि जब एनडी 2 एग्ज़ाम के बाद जो भी स्टूडेंट्स इसमें रिटर्न एग्ज़ाम में निकलेंगे उनको यहाँ पर एसएसबी की ट्रेनिंग दी जाएगी. इससे पहले जो भी यहाँ पर इस वक्त अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्लासेस आप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लीजिए, फिजिकल फिटनेस करते रहिए, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, एंड दून डिफेंस अकेडमी प्रोवाइडिंग द कम्प्लीट स्टडी मटेरियल्स उसका यूटिलाइज करें. यहाँ दून डिफेंस अकेडमी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होने वाला है 3 सितंबर के लिए, उसके लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करेगी. उससे पहले आपके एवरी सैटरडे यू विल हैव अ मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑल डाउट सेशन, एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड. तो जो भी स्टूडेंट इस वक्त डीडी डायमंड जो पढ़ रहे हैं और जो आने वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमारे काउंसलर्स के द्वारा और सेशंस में हमारे फैकल्टीज के पास अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. Okay, dear students, this is all about the ND2 examinations. Take care, all the best, and Jai Hind. Kindly subscribe DDay YouTube channel and don't forget to press bell icon.